देखिए, आम आदमी पार्टी के जो भी लोग हैं, विधायक हैं, उनके जो नेता लोग हैं, जिस तरह प्रकार का उनकी पार्टी का चरित्र है उस प्रकार का ही बिहेव कर रहे हैं। और ये लोग कानून को मानते नहीं, ये पूरा देश अब जान चुका है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, पूरा देश जान चुका है। इस तरह के काम करना उनके डीएनए में है, तो निश्चित तौर पर वो इस प्रकार का काम करते रहेंगे। और हमारा तो मानना है कि जब वो दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं तो उनको कानून को मानना चाहिए, उनको नियमों को मानना चाहिए, कायदों को मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के कार्य करना तो वो उनके चरित्र में है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये लोग तो एजेंट बोला ना, इनको ना तो नीतियों का मालूम है और ना किस किस्म की राजनीति होनी चाहिए, और संविधान से जुड़ी हुई राजनीति, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई राजनीति, हमारे ख्यालों से जुड़ी हुई राजनीति, इनको तो इल्म ही नहीं है। तो इनका तो इनके पास तो कोई इनके सामने तो कोई लक्ष्मण रेखा रखने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे, रोज करेंगे, और एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जहां आम आदमी का नुकसान होगा, दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। सो गॉड सेव दिस सिटी एंड गॉड सेव दिस कंट्री।